नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है एक बार फिर। और आज भी हिंदी प्रा को हिंदी प्रा ब्लॉग को बोले से तो मरम प्रा लास्ट तक सही दी। दादा खान लोगों फिशिंग जाल मार बोले जैसे और भैया लोग मस मछली मारने के लिए ना जा रहे हैं हम लोग। और देखो पाथर ने ऊपर में गिराया और यहाँ पे सोता है ये पत्थर। इतना लंबा देखो, इतना लंबा पत्थर देखो, यहाँ पे सोया। ये भी एक तो चीज अलग का चीज पत्थर का है। और देखो हम भैया लोग मछली मारने के लिए जा रहे हैं और जल में मरेगा तो जल में तो देखते रहो अच्छा से। भी नहीं छोड़ देगा आज मछली नहीं छोड़ेंगे वाला है हम लोग तो सब जल में मरेगा और पत्थर नीचे में हम लोग देखने वाला भी छोड़ने वाला नहीं देखना है ना तो देखते रहो एंड में तक में सहते रहो दे अच्छा हम लोग तो नदी पहुंच गया और ये खेती खेती भी सभी खेती खेत और खेत भी देखो भैया लोग ये भैया लोग एमसी नहीं है दे एमसी नहीं है ये पानी बोतल करने के लिए ले आया। और देखो ऊपर में आगो करके एक तो आदमी भी था मुर गया दे लेकिन प्रभु ने सेफ कर दिया। और ये भी मेरा भैया है प्रभु भी सेफ पोस्ट भी सेफ हो गया और ये भी मेरा भैया है वो दिमापुर में हम लोग पे नदी पहुंच गया। और दिमापुर में वहाँ पे तो गाँव भी ठीक ठीक थे लेकिन यहाँ तो लोग खुचा खुचा हो गया तो देखो हम लोग उधर में तुझ रिवर में जाएगा और मछली पकड़ेगा और आपको आप लोग को देख लूंगा ठीक है तो देखते रहो। और ये जगह देखो बहुत बढ़िया जगह है और ये खेती का मालिक ऐसे दे मालिक लाए ऐसे ना ऐसे कि ना नहीं है ऐसे कि ना नहीं है ना। और हम लोग तो नदी पहुंच गया और वहाँ पे जल मारने के लिए रिज होगा हो गया तो देखते रहो। देखो मरने वाला है दे मछली ओहो देखो निकलेगा नहीं निकलेगा देखो इतना बारिश भी बहुत अच्छा है मौसम भी बारिश नहीं गिरता है तो मछली नहीं है मछली नहीं निकल रहा है तो अभी बाद में दिखेगा आप लोग अच्छा निकल रहा है दे बोला इतना, था इतना इतना खंदा के बाद निकल रहा है फिशरमैन बॉय और भी मारने वाले हैं। यहाँ पे देखो गंबुट है तो है वे देखो देखो मिल गया। अरे
यह भी दफन ही देगा और सभी हुए तो भी हम बद में दिखाएगा दे बद में स्मार्ट करके धलो देखिएगा पत्थर में लग गया तो आएगा ना आएगा तो मालूम नहीं हो गया वो फंस गया ना इसलिए मछली नहीं आता है ओ नहीं नहीं देखो निकल गया ये निकल गया देखो मछली ना ये लोग तो बहुत तेज मछली है तो ये लोग बुना गया ठीक से खाएगा तो ओए और भी पत्थर है पत्थर मस वहाँ पे फंस गया और अभी निकल रहा है तो देखो मछली आएगा ना आएगा देखो ये सब चला गया वो सब है ये तो क्यों नहीं है ये देखो है तो अपन खान के रिक्वेस्ट करा तो मुरम प्र सही दिवे मोला छोल को तो सही वही बहुत शुक्रिया रो सही कौन सा भी मोला तो ये तो एक ता इतु गस ते ब्रिज बना एक ता इतु पानी इतने थगा तो सब खेती थक शे खेती थक्षी वाले भी तो पानी ओवरफ्लो हो जाए ना इधर तो पानी तो इतु जाते बेरा बेरा बोले हो जाए और पानी तो नहीं बेरा हो जाए खेती तो तदे तक ठीक से हुए पूरा खत्म हो जाए तो पूरा के पूरा खत्म ये खेत है ना ये पानी वहाँ पे जाता है पहले में लेकिन फ्लोट आने के बाद ये पानी इधर में होता है हो गया और खेत सब ले गया इसलिए ये खेत मालिक को बहुत बहुत दुखाया क्या करेगा सब भगवान ऊपर का है लेकिन हमारा बिजनेस खत्म हो गया ओह वो खेती लगा खोर दिखा से ना असल तो इतु खेती मालिक लगा खेती तो इफाने तक खाई शुरू ताकि शे नले भी तो पानी प्रास पूरा लो जाए और वो कमजोर को मोलो अब तो फंसी ना सके और तो खाने इनका बनाई गया ना से वो और खेती तो पूरा जैसे पुला तो वो तो ला खेती तो इन्हीं का गुरु ने इतु बाउंड्री ऐसे तो इतु तक तक शे दे वही ले भी और इफाने तो नदी तक शे नदी बोले नदी तो ठीक पानी खेती सेंटर दे इधर तो पानी ही तंदे बेरा से और इधर फ्लोट हाथ हम दे इनका हो जाए और तो खेती मलिक तो संडे भी खेती दे बोल जाए तो हम तो बोला बोले ना पर क्या ना वाह मुझे बात